कि ये शहरी क्षेत्र में जो हमारे नागरिक हैं उनकी सभी तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य की जो आवश्यकताएं हैं वो यहां से पूर्ण की जा सकेंगी। और आज के दिन उसमें एक बड़ी चीज को जोड़ा गया है, वो है कि सप्ताह में एक दिन यहां पर आई चेकअप की भी फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है हर एक थर्सडे को। तो मैं आपके मार्फत पटना के सभी लोगों से अपील भी करना चाहूंगा, ये एक सुविधा यहां पर प्रारंभ की गई है, आप आएं और इसका लाभ उठाएं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसी प्रकार से सुविधाएं पटना के जो अन्य 21 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर भी देने की। जी सर, जिस तरह से बाकी और पीएससी है वहां पर अभी आपने कहा कि दवा और जांच को लेकर भी प्रायोरिटी अपनाई जाएगी, सुविधाएं बनाई जाएगी, सुविधा को लेकर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, उसको लेकर कब तक माना जाए कि व्यवस्था सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि विगत 6 महीने 1 साल के अंदर जो दवाई की जो सप्लाई चेन है उसमें काफी कुछ सुधार हुआ है और दवाइयां आज हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। डायग्नोस्टिक्स की सुविधा भी हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और अभी राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से डायलिसिस की सुविधा सभी जिला अस्पतालों में देने के लिए पीपीपी मोड में निविदा निकाली जा चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये सुविधा सभी जिलों में उपलब्ध हो जाएगी। 22 जिलों में बिहार मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की तरफ से सीटी स्कैन भी स्थापित करने की कवायद जारी है ताकि लोगों को उसी जिले के लेवल पे ही सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो जाए। जी, और हायर लेवल के जो टेस्ट हैं डायग्नोस्टिक्स हैं उसके लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस जो यहाँ एनएमसीएच के कैंपस में बना हुआ है उसको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। और डायग्नोस्टिक्स के लिए और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि जितनी भी बेसिक तरह की सुविधा हो, अंततः हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जो पेशेंट हमारे अस्पताल में आते हैं उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जेब से उनको जो पैसे लगते हैं उसको किसी तरीके से जितना कम किया जा सके उतना हमें कम करना। जी, अस्पताल की बात कर लें तो गार्डियन अस्पताल हो या फिर गर्दनी बाग, वहाँ पर देख रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड से लेके या फिर एक्सरे मशीन वो ठप है तो मरीजों को। मैंने आपको बताया कि एक्सरे के लिए हम लोगों का टेंडर ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है और ये एक्सरे की भी सुविधा सभी जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। जी, एक सर नया सवाल ये है, कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जो बीपीएल मरीज नहीं है, अभी एक खबर आ रही है एग्जीबिशन रोड की एक महिला है जो स्वावलंबन की राह पर चल रही थी, उद्योग चला रही थी, आज दिव्यांग होने की वजह से पति ने साथ छोड़ दिया है, कैंसर पीड़ित है और अब पीएम से लेकर सीएम को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई तो मौत मांग रही है एक राजधानी की महिला, उस पर स्वास्थ्य विभाग क्या पहल कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो एसीसी 2011 का जो डेटा है जी उसके अनुसार राज्य के 1,08,00,000 ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत के तहत उनको सुविधा पाने के लिए हकदार है, एलिजिबल है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, तो आप मुझे उनकी जानकारी देंगे तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना के तहत लाभान्वित कर देंगे। थैंक यू, ठीक है।